हेलो चेरी किस कैसे हो और पहली स्टोरीज एंजॉय करी हैं आपने नहीं करी तो जाके फिर प्लीज करो और चलो फिर मैं नई स्टोरी सुनाती हूँ अपने बचपन से आपके बचपन तक तो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी टाइम तो आज हमारी स्टोरी का टाइटल क्या है आज हमारी स्टोरी का टाइटल है The donkey and the lion skin. हम्म, hmm. lion skin मतलब क्या? Lion की skin क्या मतलब? हम्म, hmm. चलो फिर स्टोरी सुनते हैं और समझते हैं इसका मतलब क्या है। हम्म, hmm. तो एक बार एक जंगल में एक डंकी जो था वो बहुत गधा मतलब बहुत मजे से घूम रहा था, झूम रहा था अपना झूमते 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 वो बहुत जाता है एक जगह वहाँ उसे अचानक से एक लाइन का ना स्किन मिलता है मतलब उसके ऊपर की जो खाल होती है ना वैसी वो मिलती है एक ते पहले तो वो डर जाता है उसे लगता है हो लाइन फिर वो कहता है ये तो कुछ हिल डुल नहीं रहा जाके मैं देखता हूँ ये क्या है जब वो जाता है और देखता है अरे ये तो लाइन का स्किन है सिर्फ वो कहता है क्यों ना मैं इसे पहन लूँ तो उसे पहन लेता है और पहन के जब वो फिर एकदम से जाता है और नदी में ना पानी जहाँ बहरा होता है वहाँ अपना रिफ्लेक्शन देखता है जब वो रिफ्लेक्शन में अपने आप को देखता है तो वो कहता है ओ वाह मैं तो बिल्कुल स्लान जैसा लग रहा हूँ तो क्यों और क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि गांव में जाकर सब लोगों को डराऊँ और मज़े लूँ कुछ फन हो जाए तो वो जाता है और स्किन पहन के गांव पहुंच जाता है जब गांव में सब लोग देखते हैं विलेजर्स वो भागते हैं, भागो 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 लाइन आ गया शेर शेर आया शेर आया अब तो लेकिन उसके अंदर जो तो आपको पता है ना क्या है उसके अंदर तो एक टंकी था एक गधा था गधा जो था वो बहुत खुश होता है बड़ा ही खुश होता है कि वाह मुझे देख के तो सब लोग भागे किसी के सब मतलब किसी एक लेडी के हाथ में फल लेके वो अपने घर जा रही थी उसने फल फेंक दिए और लोगों ने अपने बच्चे अंदर करे और दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी सबने और पता है इस तरह वो बड़ा खुश होता है कि सड़कों सड़क पर है ना उसे काफ़ी फल मिलते हैं सब्जियाँ मिलती हैं तो वो कहते हैं वाह ये तो अमेजिंग फूड है मेरे लिए तो फीस्ट हो गई दावत हो गई मेरे लिए तो वो जाता है और मज़े से खूब सारा पहले फल खाता है और एक जगह बहुत सारे वेजिटेबल्स होती है एक टोकरी में लोग छोड़ छोड़ कर भाग जाते हैं ना डर के मारे तो वो जाता है तो वो, वो पूरी टोकरी उठा के अपने घर जंगल में ले जाता है आप क्या होता है पता है आपको फिर वहाँ जाता है वो बड़े मजे से खूब दिनों तक ना आराम से काफ़ी दिनों तक वो खाता पीता मज़े से वो पूरी चीज़ें जो है वो लाविशली इंजॉय करता है अब उसका जब खाना ख़त्म हो जाता है तो सोचता है क्यों ना वापस जाया जाए और वापस ऐसे मज़े लिए जाएं तो वो वापस ऐसे ही जाता है और वापस ऐसे विलेजर्स सारे डर के भाग जाते हैं अब तो उसका ये रोज़ का नाटक हो गया वो रोज़ ही ऐसे काम करने लगा अब तो विलेजर्स परेशान हो गए उन्होंने कहा कि इससे कुछ तो हमें मतलब इसको रोकना ही होगा ये लाइन का या बार बार आना तो वो एक शिकारी को बुलाते हैं उसको पकड़वाने के लिए तो शिकारी आता है वो कहता है कि चलो ठीक है देखते हैं ये कौन सा लाइन है जो बार बार ऐसे आता है जब वो आता है एक बार जब डंकी को तो कुछ भी नहीं पता होता डंकी तो वैसे ही आता है मजे से लाइन की स्किन पहनी अ गाँव में झूमता झूमता आया करता करता लेकिन इस बार तो उसको शिकारी देख रहा था जब वो ऐसे ही सब सामान अपना लेकर वापस जंगल की तरफ जा रहा होता है तो शिकारी सारे विलेजर्स को लेके बोलता है कि चलो इसका पूछा करते हैं कि आखिर ये जंगल में रहता कहाँ पर है जब वो वहाँ अंदर जंगल में जाता है तो जो डोंकी था ना वो उसको तो कुछ पता नहीं होता खुशी में वहां पर खेत में अपने मजे से गाना गाता है मतलब खुशी से इतना गोजता ना देचु, 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 देचु। देचु। ऐसे करके अब तो सारे विलेजर्स और शिकारी सारे हैरान हो जाते कि ये क्या हो गया ये तो इसका मतलब ये डंकी था जो लॉइन की स्किन पहनकर हम लोगों को, को इतना डराता था हमारा सारा सामान जाता था हम्म, तो शिकारी कहता है, चलो अब इसको एक सबक सिखाते हैं और वो उसका पीछा करते हैं सारे विलेजर्स भागते हैं उसके पीछे जब डोंकी देखता है गला जब देखता है, कि मेरे पीछे सारे लोग वो भागते अपनी जान बचाने के लिए भागो और वो उसकी बहुत पिटाई करते हैं सब लोग मिलकर कूट कूट खुन खुद और फिर उसे कहते हैं वो मुझे कहते हैं मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ फॉगेवी अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा तो शिकारी कहते ओके हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमसे प्रॉमिस करोगे कि तुम हमें आगे से परेशान नहीं करोगे तो वो सब लोगों को प्रॉमिस करता है और अपना जो भी उसने किया होता है उसके लिए सबसे माफ़ी मांगता है तो सब लोग उसे छोड़ देते हैं और यहाँ हमारी स्टोरी होती है ख़त्म तो अब है क्या अब है हमारा मॉरल टाइम और मॉरल में हमारे साथ कौन आते हमारे झूले लाल झूला हाँ हेलो, 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 हेलो। तो लाल आपने हमारी स्टोरी तो सुनी अब आपको हमारी स्टोरी से क्या मॉरल मिला सीखने के लिए क्या आपको लगता है कि इससे हमें क्या मिलता है यस yes, टीचर मुझे ये समझ में आया कि हमें हमेशा हम जो हैं वो ही बन के रहना चाहिए और किसी और को कॉपी नहीं करना चाहिए यस yes, हमें हमेशा वो प्रटेंड नहीं करना चाहिए जो हम नहीं हैं हमें वो हमेशा अपना नेचुरल बिहेवियर रखना चाहिए हर एक से हमें हमेशा ये नहीं कि मैं तो बड़ा ही स्ट्रोंग हूँ और हमारे में हम स्ट्रोंग ही ना हो ठीक है ना हमें हमेशा वैसे ही रहना चाहिए जैसे हमें नेचुरल है मस्त है ठीक है ना तो फिर मैं जाती हूँ फिर मैं आऊँगी नई स्टोरी के साथ तब तक के लिए डू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम माई फेसबुक अकाउंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक माई वीडियोज़ लाइक करना मत भूलो प्लीज़ 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 एंड चलो फिर मैं निकलती हूँ ओके बाय लव यू चेरिक